बार सुन गए तो कैसे हो सारे, उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। और दोस्तों बढ़िया रहा ना, मैं आपका होस्ट किला आपके लिए नए वीडियो लेकर आ चुका हूं। और इस वीडियो में बात करने वाले एक फिक्स लैब से आप कोई भी गेमिंग लोगों कैसे बना सकते हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अरे गाइस रुको जरा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना, और एक छोटा सा कमेंट और लाइक जरूर कर देना। तो बढ़ते अपने वीडियो के टॉपिक पे। जैसे गाइस देख रहे हो, मैंने फिक्स लैब ऐप को डाउनलोड कर लिया है। अब मैं करूंगा इसे ओपन, करने के बाद न्यू टेक्स्ट को डिलीट करूंगा, प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके गैलरी के अंदर से अपना लोगो ले लूंगा। लोगो लेने के बाद गाइस देखो मैं अपना लोगो ले रहा हूँ। लोगो लेने के बाद इसे इसका बैकग्राउंड चेंज करूंगा, बैकग्राउंड इरेज करूंगा। भले इरेज करने के बाद देखो अपना साइज एडजस्ट कर लूंगा। एडजस्ट करने के बाद कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद हम इसे लॉक कर देंगे, ठीक है गाइस। सब प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके फिर से हम अपना सिर ले लेंगे। सिर लेने के बाद इसे भी इरेज कर देंगे। इरेज करने के बाद इसे थोड़ा बढ़ा देंगे कि पीछे का पीएनजी ना दिखे, ठीक है। हम इसे बड़ा कर लेंगे, ठीक है। दिख रहे हो, हमने इसे बड़ा कर लिया और एडजस्ट भी कर लिया। अब इसे भी करेंगे लॉक। लॉक करने के बाद फिर से प्लस वाला आइकन में क्लिक करके हम ले लेंगे ये, ठीक है, न्यू सर्कल। और इसे भी हम लोग करेंगे इरेज और थोड़ा सा इसे बढ़ाएंगे, ठीक है। और उसके बाद इसे फिल्टर देंगे, यूज में थोड़ा सा आगे बढ़ा के पीछे कर देना। सेचुएशन को फुल रखेंगे, ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ठीक है। के बाद ओके कर देंगे, उसके बाद इसे छोटा कर देंगे। छोटा करने के बाद, ठीक है, इसे बाद बैक कर देंगे, इसके बैक टू पोजीशन के बाद इसे भी कॉपी कर लेंगे और इसे भी बैक कर देंगे इसके। देख रहे हो गाइस, अब इसे भी हम करेंगे लॉक। प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके फिर से हम अपना जो लोगो है लोगों का फोटो फिर से ले लेंगे। अब इसे करेंगे फिर से इरेज, इरेज स्मॉल साइज कर लेंगे। उससे पहले हम इरेज करेंगे, इरेजर टूल का यूज करेंगे, जूमिंग का यूज करेंगे और इरेजर टूल को थोड़ा बड़ा कर लेंगे। इरेज करने में आसानी हो, फिर से इरेज कर लेंगे इस साइड का भी और ओके कर देंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद इसे एडजस्ट कर लेंगे, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा और इसमें थोड़ा सा बड़ा, इसलिए गाइस देख रहे हो मैंने एडजस्ट कर लिया है, ठीक है, इसे एडजस्ट कर लिया है। अब इसे भी हम करेंगे लॉक। लॉक करने के बाद एरो लेंगे, एरो का साइज बड़ा रखेंगे 21 के आसपास, ठीक है। बिगनिंग एरो को ये रखेंगे और इंड एरो को भी ये रखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा लंबा कर लेंगे और इसे साइज में लेकर आ जाएंगे। उसके बाद इसे थोड़ा सा बड़ा और करेंगे और इसे से सेट कर देंगे और इसका कलर ब्लैक कर देंगे, ठीक है गाइस। देख रहे हो इसका कलर ब्लैक कर रहा हूँ और इसे भी लॉक कर देंगे। उसके बाद गाइस अब लेंगे टेक्स्ट, टेक्स्ट लेंगे और इधर अपना चैनल का नेम डालेंगे, जैसे कि मेरा चैनल का नाम है मिस्टर किलर गेमिंग, ठीक है। अब गाइस इधर फॉन्ट चूज करेंगे, ये फॉन्ट मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ। और गाइस इसमें फॉन्ट डाउनलोड नहीं करना पड़ता, मुझे अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हैं। थोड़ा नेम को करेंगे बड़ा, ठीक है गाइस। थोड़ा सा और बड़ा करेंगे,
साइज अप करेंगे, इसे कलर कलर देंगे। उसके बाद गाइस बैकग्राउंड को करेंगे चेंज। जैसे देख रहे हो ये मेरा बैकग्राउंड है, आप कोई भी बैकग्राउंड यूज कर सकते हो। तो गाइस देख रहे हो कुछ ऐसा दिखेगा हमारा। उसके बाद गाइस इसे करके इसे अनलॉक करेंगे, क्योंकि गाइस ये कुछ दिख रहा है। तो इसे थोड़ा सा ऐसे करके तो हम ऐसे करेंगे, स्टाइलिश लगेगा, अलग भी दिखेगा। ठीक है गाइस देख रहे हो, अब इसे आप सेव कर सकते हैं। सेव टू इमेज क्लिक करके आप सेव कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।